बुलंदशहर कांड के 3 दिन बीत चुके हैं। बुलंदशहर को हिंसा की आग में झोंकने वाला मुख्य साजिशकर्ता अब तक फरार है। 3 दिसंबर को बुलंदशहर में तांडव हुआ। एक इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दूसरे दिन छापेमारी हुई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़े अफसर बुलंदशहर पहुंचे, लेकिन 3 दिनों के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि हिंसा का आरोपी और बजरंग दल का नेता योगेश राज कहां। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बुलंदशहर कांड की ये 3 दिनों की अलग अलग तस्वीरें हैं जो अब आपके सामने हैं। बुलंदशहर कांड के 3 दिन बीत चुके हैं। पहले दिन की तस्वीर, जब ये पूरा बवाल हुआ था, थाने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी, वहां पर तोड़फोड़ की थी और उसके बाद जो घटना सामने आई थी उसने देश को हिलाकर रख दिया। एक इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरे दिन छापेमारी होती है, 4 गिरफ्तारियां होती हैं। 3रा दिन हो गया, सवाल अभी भी जस का तस है। आखिरकार जो मुख्य आरोपी है वो कहां है, आरोपी योगेश राज कहां है, ये पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बुलंदशहर हिंसा का आरोपी योगेश राज सामने आया है। वीडियो जारी कर योगेश राज ने खुद को बेकसूर बताया है। एक वीडियो जारी किया है तो थोड़ी देर पहले योगेश राज ने कहा कि मैं थाने में केस दर्ज कराने गया था, तभी मुझे फायरिंग की जानकारी मिली है। तो योगेश राज ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की है एक वीडियो के जरिए और कहा है कि वो केस दर्ज करवाने थाने गया था और वो बेकसूर है, थाने में ही उसने फायरिंग की जानकारी उसको मिली थी। पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन 2 घटनाएं घटित हुई थी। पहली घटना सियाना के नजदीक गांव महाब में गौकसी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित सियाना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा सियाना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था, मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन 2 घटनाएं घटित हुई थी। पहली घटना सियाना के नजदीक गांव महाब में गौकसी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित सियाना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा सियाना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था, मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। योगेश राज को आप सुन रहे थे, लेकिन अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार सोनू, दो बड़े सवाल हैं। एक तो जिसे राज्य की पुलिस खोज रही है, वो कहीं छिपा बैठा है, वो वीडियो जारी करता है, खुद को बेगुनाह बताता है, पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती, अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये जो इसी से जुड़ा हुआ है, अगर वो खुद को बेगुनाह मानता है, बेकसूर मानता है, तो क्यों नहीं आता सामने, छिपकर क्यों बैठा है?
देखिए बिल्कुल सही सवाल किया राजीव आपने कि अगर आप बेकसूर हैं तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे, जांच में क्यों सहयोग नहीं दे रहे, आप सिर्फ वीडियो जारी करेंगे, बयान जारी करेंगे कि मैं बेकसूर हूं, पुलिस मुझे छोड़ दे, मैं वहां पे मौजूद नहीं था, मेरे कहने पे तो शिकायत दर्ज करने के लिए मैं थाने में आया हुआ था, एक सवाल। दूसरा एक और बात, एक नया वीडियो सामने आया जिसमें जो सुमित है, जो चिंगरावटी गांव का रहने वाला लड़का है जिसकी गोली लगने से मौत हुई थी, वो भी पत्थरबाजी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से उसे उसके परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जो उसके खिलाफ एफआईआर है उसमें से उसका नाम हटा दिया जाएगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है, इंतजार है योगेश राज का कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करेगा या पुलिस जांच में सहयोग के लिए पुलिस के सामने सरेंडर करेगा या फिर पुलिस ही उसको पकड़ कर लेके आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं अब योगेश राज को लेकर जो है तलाश जो है अभी भी जारी है, कई टीमें हैं जो आसपास के कुमार एक चीज जो वर्थ नोटिसिंग है और बहुत स्ट्राइकिंग नजर आ रही है वो है कि जो पहला वीडियो हमने योगेश राज का देखा था और अब जो वीडियो देख रहे हैं, एक तो लुक एंड फील बदला हुआ है, ऊपर से तेवर भी बदले हुए हैं, अंदाज बदला हुआ है। आपने भी यकीनन ये दोनों वीडियोस देखे होंगे, उसमें जो तलखी थी वो भी अब टोन डाउन है और अपना लुक भी चेंज करके ये कहीं ना कहीं घूम रहा है। देखिए बिल्कुल, और जो सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं आसपास में ही है, जिस तरह से ये वीडियो जारी किया गया है बजरंग दल की तरफ से जारी किया गया है, तो इसका मतलब ये कि वो बजरंग दल के वरिष्ठ नेताओं के बीच में उनके पदाधिकारियों के साथ में जो है संपर्क में है लगातार। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि बावजूद इसके बुलंदशहर पुलिस अब तक योगेश राज को पकड़ नहीं पाई है, जो लगातार दावे कर रही है कि हाँ हमने हिंसा भड़कने नहीं दी। और कैसी हिंसा होगी जब एक एसएचओ ने अपनी जान गंवा दी, सुमित नाम के लड़के की मौत हो गई, उसके बाद भी अब तक बुलंदशहर पुलिस के हाथ खाली हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि हाँ हम जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसे में वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर भी जो है सवाल खड़े हुए हैं, जिधर दूसरी तरफ जो है योगेश राज अपने आप को बेकसूर बताने में लगा हुआ है। जी ना सिर्फ पुलिस की जांच पर बल्कि कुमार सोनू ये भी वो खुलेआम तो ये संदेश दे ही रहा है कि हम तो यहीं पर हैं, छिप कर बैठे हैं, आप खोज नहीं पा रहे हैं, हम बेगुनाह हैं, इस बात का ढिंढोरा भी पीटने में लगा है। चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उस दिन हुआ क्या था हम आपको चश्मदीद की जुबानी सुनवाते हैं। हुआ था क्योंकि और कितने बजे से चीजें खराब होनी शुरू की? 11:30 बजे के करीब में माव की तरफ से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में अवशेष ले आए गायों के और वो लाकर यहाँ पर खड़े कर दिए, यहाँ पर सामने मेरी दुकान से थोड़ा सा इधर चाने की साइड को नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी होने के बाद में इधर से जो वो पुलिस वाले समझा भी रहे बेचारे और इधर से फिर जो पत्थर बरसन लगे, जो पत्थर बरसन लगे हम भी जो अपनी दुकान बंद करके चले गए। हम वाले थे या फिर बाहर? बाहर के पत्थर हमारे गांव का था ही नहीं कोई भी। आप इसी गांव के हैं? गांव के चिंगरावटी के, चिंगरावटी गांव के, जहाँ की चौकी साइड से पत्थर आए, काफी लोग आए घर से पत्थर लेकर, करीब 100 आदमी होंगे उस टाइम पे पत्थर लेकर जो आए थे, वैसे तो काफी आदमी जुड़े हुए देख रहे हैं। ये पूरा लोग ज्यादातर गांव के थे, बाहर के थे, युवा कैसे, मतलब आप लोग? ज्यादातर बाहर के, ये हमारे गांव का तो बहुत ही कम लोग है, कोई बड़े बूढ़े लोग थोड़े बहुत जो खड़े हुए समझदार लोग, वैसे 5 बजे तक मचा रहे थे। किसी को आप जानते हो कभी देखा? नहीं मैंने कभी देखे। बुलंदशहर हिंसा पर आज एडीजी इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, लेकिन यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बुलंदशहर हिंसा को बड़ी साजिश बताया है। आज ओपी सिंह ने कहा कि बुलंदशहर के उस इलाके में गुमास कहां से आया, इसकी जांच होगी। ओपी सिंह ने यह भी कहा कि इस बात की भी जांच होगी कि आखिर बुलंदशहर को ही क्यों चुना गया, यानी साफ तौर पर एक साजिश की बात उन्होंने कही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी साजिश? शहर की घटना जो है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, एक लार्जर षड्यंत्र है, और हम उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं जो जिससे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जा सके। ये केवल कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, वहां पे गोमांस कैसे आया, क्यों आया, वहां के उस स्थान को क्यों चयनित किया गया, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ये हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि जहां से शुरुआत हुई है उस शुरुआत को हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर हिंसा के साजिशकर्ता अभी तक फरार है, हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी भी सन्नाटा पसरा है, गलियां सूनी हैं और दरवाजों पर ताले लटके हैं, कई लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर चले गए हैं। अंडरग्राउंड बुलंदशहर की इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने यह पड़ताल की है।
तो बुलंदशहर के गलियों की आपने तस्वीर देखी, किस तरीके से वहां पर सन्नाटा पसरा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे सुमित चौधरी, उनकी एक रिपोर्ट देखी। को चिंगरावटी चौकी पर हुए पूरी घटना के बाद, यानी इस पूरे उत्पात के बाद, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की या फिर और दूसरे शख्स सुमित की मौत हो गई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा मातम जो है या फिर जो कह सकते हैं कि प्रभाव वो उस गांव पे पड़ा या निशान सबसे ज्यादा सवाल उस गांव पे खड़े हुए महाव गांव पे, जहां से ये पूरी भीड़ कहा जा रहा है कि राजकुमार जिसके खेतों में मिला था वहां पर उस गांव में महाव गांव में बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। हम उसी गांव में मौजूद हैं और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ज्यादातर घरों के अंदर आपको ऐसे ताले जो हैं घर के मेन गेट पर नजर आ जाएंगे और गलियां सुनसान पड़ी हैं, तो महिलाएं हैं या छोटे बच्चे। और अगर आप हर दूसरे घर पे देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं इस गांव में कुछ ऐसा ही आलम या फिर लोगों में जो दहशत थी उसके बाद, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि पुलिस फोर्सेज आई और ये पूरा जिस तरीके से चीजें हुई तो लोग जो थे सर, क्योंकि सात जो लोग हैं वो इनके घरों से जो है वो इस गांव से जो है जिनके नाम है, और ऐसे आपको हर दूसरे घर के ऊपर कुछ ताले इसी तरीके से नजर आ जाएंगे और लोग जो है उन घरों से गायब है। दरअसल इस पूरे 48 घंटे हो जाने के बावजूद भी गांव में कुछ इसी तरीके का दहशत का माहौल है। लोगों को ये लग रहा है कि ना जाने प्रशासन की तरह किसको उठा लिया जाए, किसको तफ्तीश के लिए बुला लिया जाए या किसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और लोगों ने इससे पहले इस तरीके की कोई घटना यहां नहीं देखी थी, लेकिन करीब 48 घंटे के बीच जाने के बावजूद भी यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा दहशत भरा है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ सुमित चौधरी, बुलंदशहर। चिंगरावटी गांव की तस्वीर तो आपको दिखा दी, इस वक्त हम चलते हैं चिंगरावटी गांव के इस सरकारी स्कूल में और यहां पर देखें पूरे स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो टीचर हैं वो आए हुए हैं यहां पर, लेकिन बच्चा स्कूल में एक भी नहीं दिख रहा, पूरा स्कूल जो है खाली है। क्या कुछ कारण है, यहां जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं इनसे हम बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमा रानी। उमा जी ये बताएं कि बच्चा नहीं दिख रहा है, स्कूल खुला हुआ है या फिर आप लोग किसी और काम से आए हैं? नहीं, हाँ स्कूल के खुला हुआ है। हाँ। स्कूल में अपने पढ़ाने की वजह से आए हुए हैं। लेकिन बच्चे क्यों नहीं है फिर? बच्चे यूँ नहीं है कि यहाँ पर डर की वजह से सब गए हुए हैं इधर उधर। इतना दहशत का माहौल है? दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ पुलिस वगैरह फोर्स वगैरह लगी हुई है ना, इस वजह से सब बाहर चले गए। तो डर किस बात का है? वो पिटाई उटाई लगा रहे हैं ना, मतलब पुलिस वाले पिटाई लगा रहे हैं लोगों की। हाँ। गांव वाले लोगों की, तो इस वजह से डर की वजह से वो चले गए हैं बाहर। तो बिल्कुल ये आपको क्लासेस दिखा दें कि किस तरह से खाली पड़ी हुई है, ये कक्षा 8 की क्लास है, एक बच्चा भी इस क्लास में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बच्चे आए नहीं है। ये कक्षा 7 है, आप देखें कुंडी जो है यहाँ पर लगी हुई है और पूरी क्लास जो है वो खाली है, सिर्फ इसी वजह से कि दहशत है चिंगरावटी में, क्योंकि चिंगरावटी के रहने वाले सुमित की गोली लगने से मौत हुई थी और उसके बाद से दहशत है। पुलिस की कार्रवाई से लोग इतने डरे हुए हैं कि नौजवान तो गांव में है ही नहीं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो भी स्कूल आने से घबरा रहे हैं कि कहीं कोई कार्रवाई पुलिस की उन पर ना हो जाए या पुलिस उनके साथ कोई मारपीटाई ना करे। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, बुलंदशहर।